हेलो मैम, कैसे हेलो हो? हेलो हेलो सबको, हेलो सबको हेलो। तो मैं गाड़ी में हूँ, इसलिए इतने सारे नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं और बारिश भी हो रही है, तो होपफुली अभी के टाइम नहीं होगा। पर आप लोगों को देखा, दिल में था बात करूँ, तो मैंने कहा 1 मिनट के लिए आ जाओ। आई नो हम सब ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज देखी है और दिल बाहर आ गया है, क्योंकि इतने इमोशंस को एक 4 मिनट के गाने में बयां करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ये जरूरी था, क्योंकि ये स्टोरी दुनिया ने देखी, ये किसी चार दीवारी के पीछे नहीं हुई थी। तो जो स्टोरी दुनिया के लिए है, इतिहास के लिए है, उसका अंजाम भी दुनिया के सामने होना था। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। और दूसरी चीज आपको एक बतानी थी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आप लोगों का। कुछ चीजें जिस अपने तरफ से बतानी थी, जो हमारे लोगों ने बताया, मतलब जो मैं जानती हूँ, मैं चाहती थी कि लोग फैन से शेयर करूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है, हिम्मत बहुत चाहिए इसको बनाने में। और क्योंकि इस हिम्मत में उस रिश्ते की इज्जत है, तो ये सब करना कोई शहनाज से सीखे, इतना हिम्मत कहाँ से लेके आई है? क्योंकि उन्होंने अपने प्यार को इज्जत दी है, अपनी श्रद्धांजलि दी है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है ना कि हेटर्स को लेके तो मेरा भी खून खोलता है, लेकिन अभी हंसी आने लगी है, क्योंकि जो जो पॉइंट वो बोलते हैं, उनको खुद पता है वो गलत है ना, खुद पता है वो गलत है। तो उनको पता कि ये सिद्धार्थ की जो फैमिली है, वो खुद इसको सपोर्ट कर रही है, आदित्य जो उसके साथ दिन रात था, वो सपोर्ट कर रहा है। इवन मैंने मुझे एक और बात बतानी है कि प्यार दो अच्छे प्योर लोगों से बनता है, और जिन्होंने सिद्धार्थ को बनाया है, वो इतने 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 ज्यादा इनक्रेडिबल है कि मैं क्या कह सकूं। तो यही मैंने कहना था कि ऐसे लोग जो है बहुत कम होते हैं दुनिया में। और जहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, जो कह रहे हैं, जो सच भी है, कि एक दूसरे को हिम्मत देना कोई शहनाज और सिद्धार्थ की मम्मी से सीखे, और या सिद्धार्थ की बहनों से सीखे। लोग अपने रिश्तेदारों में कितने अनबन होते हैं कजिन से। परिवार है जो साथ है और हमेशा खुश रहेगा, जिस तरीके से उनको हिम्मत दी गई है उन्हीं के बहनों से, उन्हीं की माँ से, ये ट्रिब्यूट बनाने के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक तो अपने गम में है, क्योंकि मतलब जिस माँ का अंश हो आप, है ना, माँ और बेटे से बढ़ के कोई रिश्ता दुनिया में है नहीं। और ये माँ बेटा बहुत अनोखा था, क्योंकि एक बात एक्चुअली सिद्धार्थ ने खुद बोली थी कि दुनिया में क्या होता है ना, हम पैदा होते और जैसे हम बड़े होते, हम लोग अपने आप को ग्रूम करते कि हम किसी का सोलमेट बने, हम किसी का हम स्पेशल इंसान बने, कि हम ये काबिल बने कि कोई हमें चाहे। लेकिन उसके लिए ये नहीं था, क्योंकि जैसे वो पैदा हुआ, उनका सोलमेट उनके साथ था, जो उसकी माँ थी। तो उनका प्यार इतना पवित्र था और एक्सपेक्टेशन लेस था। प्यार हम सभी अपनी माँ से करते थे, लेकिन ये माँ बेटे का रिश्ता डिफरेंट इसलिए था क्योंकि एक्चुअली अनकंडीशनल था। सिद्धार्थ को मालूम था वो कुछ भी करे, माँ कभी ना नाराज होगी ना उसे डिसअपॉइंट होगी, क्योंकि माँ उनको जानती है, वो माँ को जानता है। हाँ, दिन में झगड़े होते, अनबन होते, वो अलग बात है, लेकिन कोर बता है। और यही कॉन्फिडेंस जो है उन्हें बनाए, उनको ऐसे ऐसे बनाए जिस शेर को हमने देखा है। तो ये बात है। और ये जो हेटर्स जो बोल रहे हैं, ये कौन है, उनको ना कभी मिले हैं ना जानते हैं, और ये सब बोल रहे हैं जबकि उनके खुद का परिवार उसके साथ खड़ा है। और किस तरीके से साथ खड़ा है वो मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन काबिले तारीफ है, पूजनीय है, उससे काबिले तारीफ क्या। ऐसे रिश्तों को ना भगवान ही बनाता है, ऐसी फैमिली भगवान बनाता है, ऐसी बहनें, ऐसी माँ, और ऐसा प्यार जो जाने के बाद भी एक दूसरे से इतना प्यार करते, क्योंकि जो इंसान चला गया उन्होंने सबके दिल में इतना प्यार भर भर के दिया। तो इन हेटर्स का क्या कहे, उनको खुद उनको सच्चाई मालूम ही है, लेकिन वो हार गए ना। सबूत सामने है और इंशाल्लाह वेरी और ट्रू भी आएगा, वर्ड्स, जिससे उनको थोड़ी सी शर्म ना आए, एटलीस्ट झिझक होगी अपनी हार मानने का, कि मैदान छोड़ के चले जाए। बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए जगह नहीं है, अभी आप अच्छे लोग हो या बुरे लोग हो, क्योंकि बंदा चला गया, अब क्या लड़ रहे हो? अब
तो अब कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, अब एक चीज हुई है, किसी का प्यार है, वही एंड गेम है, दैट इज द एंड। अब कौन किसको लाइक करता है, कौन क्या कहता है, ये मायने नहीं रखता। अब अगर आप हेटेड कर रहे हो तो आप अपने ईगो में आके कर रहे हो। कुछ ऐसे वो ट्विटर बैठ के उनका उनके अपने देख रहे थे कि चाहे बहुत बड़े फैंस है, हर रोज उनके लिए ट्वीट करते थे, और सिद्धार्थ ऐसा इंसान था जो अपने फैंस को बे इंतहा अप्रिशिएट करता था हर वक्त। कितना इवन जब हमसे भी एक बात हुई बोल रहा था आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि ये लोग अपना टाइम दे रहे हैं, लाइक बहुत वैल्यू करता था, लेकिन पॉजिटिव लोगों को, नेगेटिव लोगों को नहीं। और उसकी तो उसके अपने देख रहे थे, एक है अकाउंट जो जिन्होंने बहुत टाइम लगाया है उनको प्रमोट करने के लिए, लेकिन वो डिसिल्यूशन थे कि वही अकाउंट जो रेगुलरली प्रमोट कर रहा है अभी हेट्रेड को, या जो हेट्रेड करते उनको भी लाइक कर रहे हैं उनके ट्वीट्स को, तो ये उनको भी लगता है उनके भाई की मेमोरी को एक इंसल्ट है। जो बात वो कहते नहीं थकते थे कि नेगेटिविटी मत करो, जिसको दिखाया कि मेरा कौन है, लास्ट अपीयरेंस उसका क्या था सबको मालूम है, बहुत प्रोफेशनली टीवी पे और बाहर भी कॉफी पीते हुए, तो फिर भी आप कर रहे हो, तो आप दिखा रहे हो कि आपको फॉलोअर्स चाहिए एक्चुअली। आप रोज उनके जाने के बाद भी उनके लिए कहते हो कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या जो भी है उनको इनकरेज कर, तो अच्छी बात है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो लोग उनके एक्चुअल करीब थे, चाहे आदित्य बोलो, उनके उनकी फैमिली बोलो, शहनाज बोलो, वो तो अगले दिन ट्वीट नहीं कर पाए थे ना, क्योंकि उनका कोई क्या है, इन लोगों का क्या था, इन्होंने एक फैंडम बनाया है और उनके फॉलोअर्स बने हैं, तो आइडल खत्म तो क्या मतलब उनके फॉलोअर्स खत्म, उसका डर है उनको। नहीं तो फिर आप सोचिए, अगर आप सचमुच किसी को भी प्यार करते हो, चाहे वो आपका अपना हो या कोई ऐसा इंसान हो जिसको आपने आइडलाइज किया, जो मैंने उस वक्त देखा जब कुछ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जो लोग थे, अच्छे लोग जो थे, जो दुनिया छोड़ के गए, उनके लिए कैसा शौक बनाया जाता है वो भी मैंने देखा है। अच्छे लोग जो कम्युनिटी, जिन्होंने कम्युनिटी सर्व किया है, ऐसे लोगों का उनकी भी बहुत फॉलोइंग होती है, लेकिन वो जो दुनिया से जाते हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका दुख अलग होता है। वो बाउंस बैक ऐसे, मतलब वो अपनी जो फॉलोइंग है उसके बारे में नहीं सोचते, वो यही सोचते कि ये बंदा मेरी लाइफ पे क्या था, कैसे उन्होंने हमें इंस्पायर किया और इन्फ्लुएंस किया, और अच्छी चीजों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये लोग जो मशीन की तरह अगले दिन ही ये ट्वीट करने लगे, वो भी समझ जाइए कि है कौन वो। उनको डर है कि उनके फॉलोअर्स चले जाएंगे, उनको इस आदमी से ना मोहब्बत थी, ना उनकी कला से मोहब्बत थी, उनको हो गया कि अगर हम इसका साथ देंगे तो हमारे भी व्यूअर्स बढ़ेंगे, हमारे भी जो है क्या कहते हैं उसको, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। वो उनकी कामयाबी को सलाम कर रहे थे, ना कि उस इंसान को, उस इंसान की खूबियों को, चाहे वो कलाकारी में हो या पर्सनल लाइफ में हो। क्योंकि अगर इंसान से प्यार करते तो अब वो श्रद्धांजलि देने में लगे हुए होंगे, इस तरीके से हेट फैलाने में नहीं। और आप एक फैंडम को नमस्कार करो, जो नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक इंसान था, आपका वजूद उनसे है, अब वो एक दूसरी दुनिया में है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और है, खेल नहीं था ये, जिंदगी थी किसी की। और जिनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको खुद पता है वो दिन रात साथ थे, तो आपकी क्या औकात है और आप कौन हो, आप अपने आप को इतना नेगेटिव कैसे बना सकते हो। फिर शो ऑफ करने के लिए आप ब्रह्मा कुमारियों को फॉलो करते हो, आपको लगता है कि ऐसी फिलोसफी के लिए ऐसे लोगों की कोई जगह है, आपने अपने मन में कुछ ख्याल बना लिए हैं जिससे आपका जो ये वॉर है, ये जो स्पोर्ट है, एक्चुअली एक्सपोर्ट है ना, जिससे इंडिया पाकिस्तान का गेम नहीं हो गया, वो एक स्पोर्ट है, आपने स्पोर्ट बना लिया, लेकिन ये स्पोर्ट नहीं है, ये एक जिंदगी है किसी की। तो मुझे पता है हमारे साथी जो है वो ऐसे नहीं है, हम लोगों ने तो प्यार का साथ दिया, प्यार का दूसरा नाम क्या है, ईश्वर। तो जो प्यार का साथ देते वो ईश्वर का साथ देते, तो इसीलिए हमने कभी नहीं सुना प्यार करने वाले जो हमारे साथी हैं उन्होंने कभी किसी को हेट किया। तो क्यों? क्योंकि जो प्यार करते हैं ना वो भगवान से भी प्यार करते हैं, और वो किसी की बुराई नहीं करेंगे बिला वजह। जब आपको पता ही है वो इंसान बुरा नहीं है, आप उसको जज करने वाले आप कौन होते हो, पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है, वही परिवार जिन्होंने, जिसको आप अपना आइडल मानते हो,
ये दावे करते हो कि आपकी जिंदगी जो है वीरान हो गई है, उनको बनाने वाले भी इनको अब संभाल रहे हैं और ये उनको संभाल रही है। प्रेम का रिश्ता है। सो आई डोंट नो कि कितने गलत लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन जो नहीं भी सुन रहे होंगे, आई होप समझ जाए। मुझे अभी जाना है, लेकिन ये मेरे वर्ड्स थे और मैं जल्दी आप लोगों के साथ आऊंगी। तो अभी जो है मेरी डेस्टिनेशन आ गई, सो आई विल कॉन्टेक्ट यू वेरी वेरी सून अगेन, और इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। सो थैंक यू सो Oh, मच एवरी thank वन। you, ma'am, for joining us. अभी न्यूयॉर्क मैम चली भी गई, बहुत जल्दी में थी, थोड़ा उनका वॉइस भी ब्रेक हो रहा था, बट मैम को थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, बहुत ही अच्छी बातें बोली उन्होंने, पॉजिटिविटी बोली. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के. कार से लाइव आई थी तो उनका नेटवर्क इशू भी हो रहा था. आपको कैसी अमन, लगी मैम की बातें मुस्कान? कुछ पॉइंट्स आप मैम बोलें. की बात एक-एक सही थी। वो फैंस नहीं है, वो सिर्फ अपने फॉलोवर्स देख रहे हैं। उनके अंदर ना अब ईगो आ चुकी है कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारी फैन, हमारे जो फॉलोवर्स हैं वो कम होके दूसरी साइड क्यों जा रहे हैं। तो उनके अंदर जो बिग बॉस 13 के टाइम में दिमाग में उनके ठूसा गया था ना, सॉरी पार्डन माई लैंग्वेज, वो उसको अभी तक लेके चल रहे हैं। हालांकि सच्चाई उनको पता है सब, बट स्टिल वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी ईगो है। अब वो कोई फैंस नहीं है, अब वो सिर्फ उनकी ईगो बोलती है। तो मुझे उनके ऊपर गुस्सा नहीं, सिंपथी आती। या मैम ने काफी अच्छा बोला आंटी. हेलो राधिका जी, कैसी हाय, हैं आप? गुड गुड। आज तो थर्ड थर्ड टाइम आ गई मैं अमन। या बड़े दिनों बाद मिल रही हैं आज आप, हाँ तीसरी बार एग्जैक्टली। लाइव में मिली विद इन 8 आवर्स. हाँ या इससे पहले लाइव हम स्टार्ट करें आपके साथ राधिका जी, उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, शहनाज गिल के यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई. ये मैं बोलना भूल गया मगर दैट्स वेरी बिग अचीवमेंट. उसने काफी बार बोला है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, सो दैट्स गुड उसके हुए हैं. ये कोई सेलिब्रेशन का वो तो नहीं है मगर फिर भी दैट्स गुड, शहनाज गिल के यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, दैट्स अमेजिंग. एंड आप सभी को भी थैंक्स, हम तो हैं ही सपोर्टर, और जो भी सब्सक्राइब किए उन सभी को थैंक यू हमारी शहनाज कौर गिल की तरफ से. बोलिए राधिका जी. क्या बोलूं, सब अच्छे हैं। आई एम होपिंग एवरीवन्स डूइंग वेल। आपने देखा सॉन्ग दोबारा हाँ हाँ देखा, बहुत बार देखा। और अपने होम थिएटर में लगाया या नहीं लगाया? नहीं मैं कॉल्स में थी अमन, काम कर रही थी। अभी कहाँ जाऊं, जाऊंगी बाद में। या हमारे साथ मरियम भी हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ हर, वेरी ट्रू मरियम. सो नहीं, मेरे को वक्त नहीं मिला। अभी मेरा फाइनल कॉल होके मैं आ गई यहाँ पर। या वन सेना सेड टू छोटू पांडे, या आई रिमेम्बर दैट कन्वर्सेशन. ओहो मनप्रीत कह रही है अभी और कर दें या वक्त के साथ हो जाएंगे, हम लोग हमेशा आप सहनाज के साथ हैं, उसको सपोर्ट करेंगे. हाय मरियम, हाय मनप्रीत, हाय जसी, हाय लीला जी। लीला जी सभी को बहुत दिनों हेलो. हाँ लीला जी बड़े दिनों बाद दिख रही हैं, हाँ लगता है किसी और गलियों में जाने लगी किसी हैं. और फैंडम के लाइव में जा रही करें, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, ये घूमती रहती हैं इधर उधर, मैंने चेक किया इनको, लगता है ये हमारी लाइफ की गलियों से. एक गाना है ना, पंगे मत लो लीला जी से।
बुशरा जी, हाय, नहीं हाउ आर यू? अच्छा है, बहुत आज इसने आज इसने आज ही नहीं आई आज। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी भेजी थी, नहीं, 5 ही बजे है ना, 5:30 बजे आएंगी वो। मैंने ऑफिस में आज तो फ्राइडे है, छुट्टी कर लेते हैं। अच्छा, उनको बोल देना जैसी आएंगी वो। हेलो हेलो, मैं सॉन्ग देखकर कॉन्स्टेंटली स्माइल कर रही थी, बिल्कुल नहीं रोई। आई होप आप सब भी स्माइल करो, बस करो। यस हाय भारती जी, हाय, आई होप आप ठीक हो। या चेरी जी, आज आपने फर्स्ट टाइम कुछ अच्छा कमेंट किया है। ओ आप फर्स्ट टाइम भी, सॉरी क्यों पंगे ले रहा हूँ इनसे। आज लाइक्स व्यूज कुछ मैटर नहीं करते। या ये आपने अच्छी बात कही कि लाइक्स व्यूज कोई मैटर नहीं करते। हम भी नहीं किसी से कह रहे आप स्ट्रीम करो, कुछ करो, बस सहनाज को सपोर्ट करो, दैट्स इट। हेलो अमन, 2 दिन पहले का लाइव अपलोड करोगे? या अभी सॉन्ग आ गया ना, इस वजह से बहुत थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। अब हम कंटिन्यू करेंगे, आज का लाइव और सॉन्ग का हो जाए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना। अमन, फूड एंड फ्लेवर्स मैम आई थी। हेलो हाँ वो आई थी अभी। हेलो एवरीवन, आज अच्छा है, आज छुट्टी ले ली जस्सी ने, शी कैन फोकस। हाँ एग्जैक्टली, इट्स मच मच नीडेड वन। थोड़ा माइक दूर करो जस्सी जी। अब अरे मैं तो ऐसे ही रखती हूँ हमेशा, वो आई थिंक रूम में फैन बंद है ना, तो इस वजह से शायद। यार राधिका जी, आपने जो पॉइंट्स नोट किए थे, सॉन्ग नहीं बोलूंगा, हमारे जो इमोशंस थे, आप शेयर कर सकती हैं हमारे साथ, तो हाँ यही है। श्योर, थैंक यू। मुझे ये, जैसे मैंने वो यूट्यूब वाले में भी बोला था इससे पहले, कि दिस इज हर ट्रिब्यूट एंड दिस इज हर फीलिंग्स फॉर सिद्धार्थ, एंड दिस इज हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मेरे फीलिंग्स हैं, राइट? मुझे लगता है दैट विल बी बीइंग अनजस्ट टू देयर बॉन्ड, मुझे ऐसे लगता है, शायद आप अग्री करो ना करो, दैट्स फाइन। ये बस लाइक, जैसे मैं वही बात नहीं दोहराऊंगी जो सवेरे वाले भी लाइव में बोला था, ये ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी क्या कहते हैं, ये इमोशनल, ये बहुत सेक्रेड, बहुत पायस, पाक पाक वाला ट्रिब्यूट है ये। और ये भी मुझे लगता है, ये तो शी ओपन्ड हर हार्ट, बट शी ओपन्ड अ पार्ट ऑफ हर हार्ट, मतलब जैसे उसने जो बातें, मतलब इट लाइक देर वॉज अ मैसेज टू टेल अस हर एक्सटेंडेड ग्रुप ऑफ, मतलब हम फैंस कह लो या फैमिली या जो भी हम कहते हैं, ये उसका उसका एक मैसेज था कि दिस इज हाउ आई एम फीलिंग, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। बट वो ऑब्वियसली वो सब कुछ तो नहीं बताएगी, नहीं बता सकेगी, बट जितना बताया वो बहुत है, और बहुत ही आई फील ब्लेस्ड, राइट, टू एक्सपीरियंस, टू अंडरस्टैंड। अभी ये जो जो समझ नहीं पा रहे इस चीज को, जिसको हम हेटर्स बोलते हैं, सोलोस बोलते हैं, जो भी, वो ये चीज को देख ही नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, और जैसे उनका माइंडसेट है वो उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, दैट्स फाइन। अगर वो इस तरह, अगर वो उनकी चॉइस है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और अगर उनको ये प्यार नजर नहीं आ रहा है, दैट्स फाइन, ये वी आर नॉट हियर टू कन्विंस एनीबॉडी। तो
तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप लाइक दिस में बी अ बैड बैड एनालॉजी और बैड एग्जांपल, बट अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, और जो नॉनवेज खाने का शौकीन है, जो नॉनवेज खाता है वो कहता है ओ माय गॉड यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस एंड यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग, आप तो वेजिटेरियन, आपको ट्राई करना चाहिए, वो एक बात है, वो एक चीज है विच इज फाइन. बट अगर वो नॉनवेज खाने वाला बोले तो तेरा तो लाइफ ही वेस्ट है, ये तो बकवास है, मीट खा के देखो क्या हो जाएगा, मतलब सो व्हेन दैट नेगेटिविटी कम्स राइट देन इट्स लाइक यू डोंट वांट दैट. तो हाँ, वहां से हट जाओ. और मतलब आई नो दैट वाज प्रोबेबली अ बैड एग्जांपल, बट अगर उनको वो चीज दिखी नहीं रही है, वो देख ही नहीं रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बैठ के उनको कन्विंस करना या उनको प्रूव करना कि वो आप लोग कितने रॉन्ग हो, हम लोग कितने राइट है, उसमें कोई पॉइंट ही नहीं बनता. मरियम, नो नो मरियम, आई नो दैट वाज अ बैड एग्जांपल, बट वही है कि राधिका जी, यस एकदम से मैं डर गया। रात के 3 बज रहे हैं, मैंने कि राधिका जी को क्या हो गया एकदम से लाइव में। ओह मरियम, आई वाज थिंकिंग ऑफ मरियम, वो है लाइव में. ओके बट या वो बेसिकली ये हेटर सोलोस जो भी, उनको समझ नहीं आ रही है तो छोड़ दो, देयर इज नो पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग देम और ट्राइंग टू प्रूव यू नो हु इज मोर राइट हु इज मोर रॉन्ग, दैट इज वन. एंड वो हो गया. एंड देन वो गाने का जो मैंने देखा, ऑफ कोर्स ये सभी ने नोटिस किया है, सभी हमारे सिडनाज गैंग ना भी बहुत यू नो बारीकी से हर एक चीज को देखती है. गेम देखने के बाद हम सब ट्रेन हो गए हैं, बट हमने ऑब्वियसली ये सारे यू नो कनेक्शंस किए हैं, जैसे उसका जो आउटफिट था, उसके आउटफिट के कलर्स थे व्हाइट एंड ब्लैक, सॉरी ग्रे एंड ब्लैक, उसने जैसे हैबिट में व्हाइट डाला था, मुझे उसका भी कुछ सिग्निफिकेंस लगा. और अभी भी ये जो ब्लैक और ग्रे, मतलब जैसे उसकी, और याद है हैबिट में उसके ओपनिंग वो जो दो लाइंस थी वो पोएम की, कि एक शख्स गया और शहर को वीरान कर गया, तो उसका ये जो सॉन्ग था एक वीरान शहर ही दिखाया है ना, कि उसकी दुनिया मतलब वीरान हो गई, बिकॉज वो जैसे वो जैसे वो जहाँ पे वेयर शी वॉज वॉकिंग इन दैट ऑन दो स्ट्रीट्स एंड यू नो बाय द कैनाल और द रिवर, मतलब वीरानियत है उसके लाइफ में, और उसके आंखों में जो यू नो इट्स अ वेरी सबडूड नो नो कलर्स ऐसी, मतलब शी वॉज सेंडिंग अ मैसेज कि दिस इज हाउ शी फील्स नाउ, आई डोंट वॉन्ट दिस, मतलब ये ऐसा नेगेटिव में नहीं देखना है, ये देखना है कि दैट इज द वो डेप्थ है उसकी उसकी वो सिद्धार्थ के लिए वैसी फीलिंग्स है, यू नो सिद्धार्थ ब्रॉट द कलर इन हर लाइफ, यू नो उसके लाइफ में लाइफ लाया है, यू नो तो बस वो वही कह रही है. और एक ऑफ कोर्स मेकअप तो था ही नहीं, मैं एक सीन में मुझे उसके फ्रेकल्स नजर आ रहे थे, उसके नो नाक के ऊपर के फ्रेकल्स, तो मुझे वो अनसीन याद आ गया, वो तेरे वो जब वो उसको चप्पल देने से मना करती है, उसको वर्कआउट करना होता है, तो वो बोलता है कि नहीं यू नो तूने मेरा नोटिस नहीं किया और ये वो, तो ही सेज तेरे नाक के ऊपर के जो यू नो फ्रेकल्स हैं वो बहुत प्यारे हैं ऐसे वैसे. सो ऑफ कोर्स वो उसने मेकअप, शी वाज एग्जैक्टली हाउ सिद्धार्थ लाइक्ड हर राइट, विदाउट मेकअप एंड जस्ट हर स्ट्रेट हेयर एंड सो आई थिंक उसने ये सारी चीजों का ख्याल रखा ऑब्वियसली. मुझे और एक चीज लगती है, जो वो एक होटल रूम का सीन था वेयर शी इज लुकिंग आउट द विंडो एंड वेयरिंग
Siddharth's t-shirt. I felt, not I felt, I noticed that पूरे सॉन्ग में उसने वो कपड़े पहने हुए थे और आप लोग नोटिस करो लाइक बिगर स्क्रीन पे उसने वो शर्ट अंदर डाली हुई थी तो आई फेल्ट दैट वाज ये ऐसी चीजें सिर्फ शहनाजी कर सकती है उसको सिद्धार्थ शायद मतलब शी वांटेड टू फील हिम मे बी शी वाज ड्रॉइंग एनर्जी सम करेज strength knowing that Siddharth is with her but usne wo shirt dali hui thi and maine bahut scene piche kar kar ke dekha hai so I found that beautiful aise cheeze sirf Shehnazi kar sakti hai and matlab aisi to kal jab hum baat kar rahe the na ye jo bhi hoga tribute ekdam Shehnaz style hoga And so I like that usne she was true to her own thing usne kisi aur ke liye nahi kiya ye khud ke liye kiya hai aur I think it came from a very pure sacred place so yeah I mean unka I mean एक चीज आई वॉन्टेड टू से मैं किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ बट आई वॉन्ट टू से मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो वट द मीनिंग ऑफ अ प्योर सोल इज ओके आई डोंट नो वट अ प्योर सोल इज बट आई फील लाइक देयर बॉन्ड इज वेरी सीक्रेट देयर बॉन्ड देयर सोल कनेक्शन देयर बॉन्ड इट सेल्फ इज वेरी is sacred is pata nahi because as humans hum log pure matlab she's definitely they both are good hearted people and amazing people and humble and but inka jo bond hai wo mujhe bahut pure lagta hai abhi pure soul hai ya nahi mujhe nahi pata मुझे वो बातों की समझ नहीं है उतनी बट आई जस्ट यू नो कूडोस टू हर उसने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है बहुत करेज दिखाया है एंड इफ शी कैन डू इट देन वी कैन डेफिनेटली एम्ब्रेस एंड ऑनर उसका जो ट्रिब्यूट है वी कैन एम्ब्रेस एंड वी शुड लव इट जस्ट लाइक इट शुड बी लव्ड मतलब उसको उतना प्यार देना चाहिए उसको क्या कहते हैं यू नो ट्रेजर करना चाहिए बिकॉज आई थिंक इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम शहनाज एंड फ्रॉम सिद्धार्थ आल्सो सो एग्जैक्टली बिल्कुल सही जो भी आपने बोला इज लाइक वही चीज एक्चुअल में ये हम लोगों का इमोशन तो चलो जो हम तक पहुंचा वो तो है ही बट इट्स जस्ट दैट कि उसकी जो फीलिंग है ये उसका ट्रिब्यूट है जो उसे देना था और वो आई थिंक जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे यूट्यूब पे कि उसको जरूरत थी नहीं ये सब करने की राइट वो उसने किया हमारे लिए किया तो आई थिंक इट्स अ गिफ्ट फॉर अस और हमें इसी को ही आई थिंक एक ब्लेसिंग समझ के वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी शुड एक्सेप्ट इट विद लाइक विद अ स्माइल ऑन आवर फेस और रोना तो ठीक है जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे कि रोना इज नॉट समथिंग की कोई गलत बात है ठीक है इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट आप रो लो बट लेकिन डोंट क्राई अगेन एंड अगेन एंड क्योंकि सबसे पहले आप ही हार्म करोगे अपने आप को आपका माइंड सेट वैसा हो जाएगा एंड आफ्टर दैट इज जस्ट दैट कि आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स ऐसी क्रिएट करनी है अपने आसपास अपना ऑरा सबसे पहले ऐसा बनाना है कि आपको वो कहते हैं ना कि मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होता है राइट तो अगर हम पॉजिटिव होंगे तो हमारी जो थॉट्स होंगे वो पॉजिटिव बनेंगे एंड वी जस्ट नीड टू स्माइल बिकॉज इन दोनों को विटनेस करना ही इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस राइट क्योंकि आज के टाइम पे जिस तरीके से हम देखते हैं कि आसपास फॉर मी जो मेरा एक्सपीरियंस था आई वाज लाइक कि नहीं यार सब लोग मतलब ही हैं आसपास देयर इज नो लाइक पीपल अराउंड अस हु कैन बी ट्रू टू देमसेल्फ तो हमारे साथ क्या रहेंगे
अगर खुद के साथ सच्चे नहीं है तो, बट देन वी गॉट देम इन आवर लाइफ एंड वी एक्सपीरियंस लाइक समथिंग एल्स. वो एक नेक्स्ट लेवल है जो हम अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. इट्स जस्ट दैट वी कैन ओनली फील इन साइड अस. तो आज जो हमने एक्सपीरियंस किया है दैट इज लाइक कि शहनाज को हमने, बिकॉज देखो हम तो चाहते थे है ना कि आए वो वापस, है ना, वी ऑल वॉन्ट दैट. अब वो एक एक वो कहते हैं ना कि स्टेप थोड़ा थोड़ा वो ले रही है आगे. एंड फॉर मी, मेरे लिए जैसे हम लोग यहाँ आते हैं लाइफ में आकर बात करते हैं सबसे और अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं अंदर से, बिकॉज हमारे आसपास कोई है नहीं बात करने वाला, हमें समझने वाला कोई है नहीं. तो हम आते हैं यहाँ पर टू एक्सप्रेस आर सेल्फ. हम अंदर जो फील करते हैं वो सबसे शेयर करते हैं. एंड आई थिंक एवरी वन जो ज्वाइन नहीं कर पाते वो कमेंट में अपना एक्सप्रेस करते हैं और एक दूसरे को हम मोटिवेट करते हैं. एंड सेम थिंग लाइक आई थिंक शहनाज इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग फॉर हर सेल्फ ऑल्सो, कि वो हमें अपना मानती है तो इन ये करके वो उसे तो ट्रिब्यूट दे रही है. एंड ऑफकोर्स लाइक उसको जरूरत नहीं थी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसके आसपास जितने भी उसके क्लोज वंस हैं दे ऑलरेडी नो व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड एंड रिलेशन दे एक्चुअली शेयर विद ईच अदर. और वो यहाँ आई है बिकॉज उसको हम भी उसके लिए मैटर करते हैं. तो आई थिंक दैट इज लाइक हमारी जो ड्यूटी बनती है इज जस्ट दैट कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको वेलकम करें और बस प्यार ही प्यार दें उसे. एंड वी जस्ट नीड टू, वो तब होगा जब हम खुद स्ट्रांग होंगे, जब हम खुद पॉजिटिव होंगे तभी हम उसको पॉजिटिविटी दे सकते हैं. एंड वो हम मिल के नहीं दे सकते. वी हैव लाइक अ वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे जिस तरीके से, और वो रीड करती है आई गेस, एंड शी इज गोइंग टू रीड, अभी नहीं तो मे बी आफ्टर सम टाइम व्हेन शी फील लाइक अ लिटिल बिट बेटर, जो वो कनेक्ट कर पाएगी हम लोगों से. तो आई थिंक जब वो देखे ये सब तो उसको अच्छा फील होना चाहिए. शी शुड बी लाइक कि अगर मेरे पर्सनल लाइफ में उसके आसपास चार पांच लोग हैं जो उसकी फैमिली है, जो बहुत क्लोज वन है, जो उसको समझते हैं, तो यहाँ पर भी है एक फैमिली जो मुझे प्रोफेशनली और पर्सनल लेवल पे भी मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करेगी. और दिस इज लाइक मेरे लिए वो, और आई थिंक एवरीवन इज ऑन लाइक ऑन द सेम थॉट कि लाइफ कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं है, राइट? टाइम रुकता नहीं है, यू हैव टू. एंड शहनाज को जितना हमने समझा है, जितना हमने जाना है, वो यही है कि वो किसी की सिंपैथी लेने वालों में से नहीं है और वो अपने पे विश्वास करती है. एंड शी इज लाइक अ लेडी एंड इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन. आज मैं देख रही थी न्यूट्रल्स ऑडियंस जो है, जो न्यूट्रल लोग हैं वो भी उसको इतना प्यार दे रहे हैं, इतना, और वो सिंपति नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट सिंपथाइजिंग हर, दे आर जस्ट लाइक राइटिंग यू आर सच एन इंस्पिरेशन गर्ल फॉर अस. लाइक इतने बड़े बड़े एज के लोगों का मैंने आज कमेंट पढ़ा है, इट वॉज लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं ऐसे मेरी लाइफ में आई विटनेस हर, लाइक आई एक्चुअली फॉलो हर और वो मेरी आइडल है. बिकॉज पीपल आर, जो हम लोग तो एक अलग लेवल पे कनेक्टेड है, राइट? और जिन्होंने अभी आफ्टर 2nd of September जब इन दोनों को समझा है, जाना है और समझने की कोशिश करी है, उसके बाद में दे आर राइटिंग लाइक वट एवर दे फील लाइक आफ्टर वॉचिंग दिस सॉन्ग, जो उनके लिए सॉन्ग है, राइट? एंड दे वर जस्ट सेइंग कि यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपनी लाइफ में. वी आर लाइक एट दिस एज बट looking at you, it's like next level है कि हम word में express नहीं कर सकते हैं. So itself like हमें proud होना चाहिए कि people are actually connecting with her और फिर सीखने की कोशिश कर रहे हैं उससे. तो हमें भी उसे as an inspiration ही लेना चाहिए and we should just celebrate you know her success, जो आगे वो आगे जितना भी काम करती है, जैसे भी करती है, जब भी करती है, बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. लव का मतलब ही यही है कि यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम एनी वन एंड जस्ट फोकस ऑन वन थिंग कि सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग देनी है. वही हम कर सकते हैं एंड आई थिंक वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. थैंक यू सो मच जस्टी जी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स अबाउट दोज कमेंट्स अंडर सैनाज की यूट्यूब चैनल. जो रिलेशनशिप है, जो इनका बॉन्ड है, ये या हमें अभी शहनाज दिख रही है, राइट? हमें
शहनाज इज शी इज हियर एंड शी हैज टू, उसकी जिंदगी है लाइक यू सेड कि किसी के लिए किसी की जिंदगी नहीं रुकती है, एवरीबडी सबका स्टार्ट एंड एंड होता है ये वर्ल्ड में. और एंड ऑब्वियसली एंड देर आर इमोशंस एंड देर आर सिचुएशंस एंड जैसे अभी शहनाज के लाइफ में आया है, वो अभी ऐसे उसको ये what what she tried to show us, right? वो ऐसे था कि she is at that fear of loss is gone, right? That fear of loss is gone. She is starting afresh, right? मतलब और वो ये words ये गाने के through ये कह रही है कि show me the way, मैं आगे कैसे बढ़ूं, and और give me strength. वो उसका that her wearing उस वो उसके कपड़े पहनना is symbolic, is very symbolic. And वो उसके उसका फोन पकड़ के देखना, और ये फोन पकड़ के देखना या फोन पकड़ के देखना, but to me that has a deeper meaning. That to me that is reliving exactly. their memories, reliving everything jo they have been through. Matlab unka relationship I feel they have kya bolte hai, they have you know progressed in dog years, right? Matlab and jaise you know Big Boss ke ghar mein unki 4-4.5 mahine ki jo understanding थी वो मैं देखूं तो 10-15 साल में जो अंडरस्टैंडिंग होती है एक एक रिलेशनशिप में वैसी थी. सो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके सोल्स को पता था कि ये होने वाला है. आई डोंट नो, राइट? बिकॉज जैसे हमने बात करा इनके, जैसे सिद्धार्थ गाने चुनता था, मतलब उसे भी शायद नहीं पता होगा, उसके सोल को शायद पता होगा, राइट? कि वो जैसे यू नो चन्ना मेरे यहाँ गाता था, या वो जो डेस्टिनी वाला जो सीन था, यू नो तेरी दुनिया अलग है मेरी अलग है, और एवरीथिंग हिट सो डिफरेंटली नाउ, राइट? एंड यू नो ये फोन नहीं उठाएगा, फोन नहीं उठाएगा. उसने वो फोन का वो आने ही नहीं दिया, मतलब वो फोन का क्या कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उनके लाइफ में कि ये फोन करेगी और वो फोन नहीं उठाएगा. लाइक ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, वो वैसे हो गया. सो एवरीथिंग वाज एट एन एक्सेलरेटेड स्पीड. हम बोलते हैं कि हाँ कोविड था इनके लिए अच्छा था एंड ऑल दैट, बट इवन ये लोगों का जो 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 कनेक्शन था ये, बिकॉज हमने ये बात भी बोल इसके बारे में लाइक बात करी है, राइट? कि ये कोई ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं है. वो हमेशा कहती थी ना कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, ये हमारा कुछ और ही है, इमोशनल है, अटैचमेंट है. मतलब ऐसा लगता है कि क्या उनके सोल्स को पता था कि दे आर बियॉन्ड दिस ह्यूमन रिलेशनशिप, यू नो दे आर बियॉन्ड दिस सॉर्ट ऑफ, जैसे ये दुनिया में हम आते हैं, वी आर ऑल वायर्ड कि ओके ये मेरे मॉम है, ये मेरे डैड है, ये मेरे भाई है, ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे नेबर है, ये मेरे दोस्त है, ये है वो. बट मुझे इनका ऐसे नहीं लगता है, मुझे इनका दैट्स वाई दे नेवर नेम देयर रिलेशनशिप for and that was for a reason, aise lagta hai. And maybe unhe bhi nahi pata tha unhone kyun name nahi kiya. I don't know if I'm making sense or not. In my mind I know what I'm talking about. No, absolutely. I can relate to it. Aapne bahut acche words bole Radhika ji. It's so deep that no one can understand. But yeah, I don't know if that's a good thing. अरे उनका रिश्ते सिद्धनाथ के रिश्ते का बोल रहा हूँ, आपके बारे में नहीं, सिद्धनाथ के रिश्ते के बारे में. देयर बॉन्ड इज ऑन स्पिरिचुअल लेवल. हमारे साथ स्नेहा जी जुड़ी हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं. हाय अमन. हाय स्नेहा जी.
मेरा बॉस नहीं था, नहीं तो आज छुट्टी ले लेती. ओ कोई बात नहीं, इसने आज भी मैंने उतना ही सुना तुम्हारा पीस, फिर मेरा कनेक्शन का इश्यू हो रहा था ऑफिस में. कोई बात नहीं। आप बताएं आपने कब देखा सॉन्ग, सुबह उठ के मैंने देखा सुबह सुबह या सुबह रात उठ के को ही देखा. देखा? नहीं, सुबह उठ के देखा. रात को देखी होता तो मैं शायद सोती ही नहीं फिर से. हाँ, बट बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल. जैसे कोई होता है ना कि राधिका, आप बहुत ट्रू बोल रही थी, मैं पिछले 10-15 मिनट से सुन रही हूँ. आपने जितना ऑब्जर्वेशन किया, शायद मैंने उतना ऑब्जर्वेशन नहीं किया, लेकिन ऐसे लगता है ना कि अपना दिल जान निकाल के रख दिया है उसने उस गाने में. इससे वाह। इससे ज्यादा वो कुछ ना बोल पाएगी ना कुछ, मतलब बहुत कुछ उसने बोल दिया एक ही गाने में. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाना, बहुत. मुझे ना जब मैं सॉन्ग देख रहा था तो मुझे एक बार को पता नहीं क्यों आपकी याद आई, क्योंकि आप हमेशा कहती हो अमन मैं रोई, हमेशा कमेंट में करती हो कि अमन आज मैं बहुत रोई। रोना मेरे लिए बहुत नेचुरल है. मुझे है ना कभी कभी है ना, राधिका, हाय राधिका एंड जैसे, सॉरी मैं अमन से ही बातें किए जा रही हूँ. मुझे कभी कभी ऐसा दिन, कभी ऐसा लगता है ना दिन में, सुबह के टाइम में, कि आज मैं रोऊंगी तो मैं शाम तक रो ही देती हूँ, ताकि मेरा दिल का जो भी है हल्का हो जाए और रात को मैं ठीक से सो पाऊँ. तो मेरा वो है एक प्रॉब्लम, कि अगर मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है मॉर्निंग से इंट्यूशन आ रही है कि मैं रो. हम सबको पता था कि ये गाना देख के हम सब रोएंगे. और हाँ, वो है यार, उनका उनका लगाव है हमारे साथ. हमने उनको ऐसे 2 साल जिया है हमारे साथ, जैसे कई मेरे घर का ही मेंबर हो, दिन रात उठे बैठे. सो यार, वी लव देम. बहुत ब्यूटीफुली वेरी पिक्चराइज ट्रू। किया है जिसने भी, मतलब पूरा सोचा कंसेप्ट बहुत ब्यूटीफुली किया है, बहुत. या स्पेशल थैंक्स टू टीम हाँ, और स्पेशल थैंक टू सॉन्ग राइटर जिसने ये सॉन्ग लिखा है, जबरदस्त सॉन्ग लिखा है, हमारी फीलिंग्स ही लिख दी हूँ जैसे, मुझे एंड सबसे अच्छा लगा वो पिक्चराइजेशन। ग्लास डोर वाला सीन फिर से इनएक्ट किया, वो बहुत अच्छा लगा मुझे. या वो बहुत क्यूट सीन है। राधिका जी आपका कौन सा फेवरेट सीन था अगर पूछा जाए? आप सभी फेवरेट था अगर पूछा जाए तो। वन जस्सी जी एंड राधिका जी आप बताएं, ओनली वन। वो वहां पे पहाड़ पे ठहर के जो प्रे कर दिया ना, मुझे दैट 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 सिंबलाइज्ड होप फॉर मी. एंड दैट सिंबलाइज्ड शी इज ट्राइंग. एंड और उसका जो वो पहाड़ वाला था, उसने जो लाइव में बोला था कि हमें पहाड़ पे जाके शूट करना चाहिए, ऐसे शूट करना चाहिए. शायद किसी का भी मतलब किसी ने सोचा, ऑब्वियसली ऐसी चीजें सोचते नहीं है कोई भी, बट पता नहीं, वो मुझे, मैंने कनेक्ट किया. और वो जैसे हाथ जोड़ के ऊपर देख रही है, और एक एक सीन में वो ऐसे हाथ स्प्रेड करती है अपने हाथ दोनों, वो इज लाइक शी इज एम्ब्रेसिंग व्हाट लाइफ इज गिविंग हर विथ ओपन आर्म्स, एंड शी इज एक्सेप्टिंग हर हर रियलिटी, हर ट्रूथ. एंड या वेरी बात ट्रू। आप बताएं जैसे जी आपको कौन सा सीन टच किया? मेरा सबसे फेवरेट था वो ग्लास रूम वाला जो उसने रिक्रिएट किया था. शी स्माइलिंग इन दैट, वो जब रिक्रिएट कर रही थी तो उसी स्माइल के साथ में, मुझे जब मैंने उसे देखा तो इट वाज जस्ट लाइक कि माय गॉड, लाइक कि दिस इज लाइक, दिस गर्ल इज नेक्स्ट लेवल. और एक उससे मुझे एक मैसेज भी मिला उससे कि लाइक ये मेमोरीज जो है, आई थिंक कि हमारे लिए इट्स फॉर एवर, और हमें उसे चेरिश करना चाहिए. इट्स नॉट दैट कि वी हैव टू लुक बैक एंड वी हैव लाइक हम रोएं या फिर उसे ग्रीव करें, बट वी हैव टू चेरिश देम, राइट? तो वो अगर अपने उन मोमेंट्स को, जैसे उसने वो ग्लासरूम वाला, एंड आई थिंक वो बहुत लोगों का फेवरेट
सीन है जो हमने बिग बॉस में देखा है, वो मोमेंट बहुत लोगों का फेवरेट है, तो वही उसने रिक्रिएट किया एंड विद द सेम एंथुसियाज्म एंड विद द सेम स्माइल, राइट? वो हमें फील हुआ उस टाइम पर, शी इज फीलिंग एग्जैक्टली द सेम आई गेस, जो मुझे फील हुआ, दैट इज माई लाइक पॉइंट ऑफ व्यू. तो सच मुझे उससे एक मैसेज मिला कि वी हैव टू जस्ट स्माइल लाइक एंड चेरिश ऑल द मेमोरीज विच दे हैव गिवन अस फॉर फॉर आर लाइफ. तो हमें भी वही करना है. उसने अपनी सब मेरा मेमोरीज फेवरेट पिकअप की उसमें. हाँ तुम बोलो अभी अपना फेवरेट. सॉरी मेरा सॉरी. फेवरेट था टी शर्ट वाला, हाँ इमोशनल था, अगर वो मुझे बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग लगा टी शर्ट वाला. और सॉन्ग के अलावा मुझे लोकेशंस बहुत अच्छी लगी, जो भी लोकेशंस थी, तो यूके से जो भी लोग हैं वो तो जानते होंगे वो लोकेशंस कौन सी हैं, तो मोस्टली सैड कि वो बर्मिंगम की लोकेशंस हैं जो भी सॉन्ग में दिखाई गई अच्छा हैं. या एंड जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, तो आप सभी से ही ये क्वेश्चन है जो भी हमारा लाइव सुन रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, अपना फेवरेट मोमेंट जरूर बताना कि आपको कौन सा मोमेंट एकदम दिल पे जाके लगा. हाँ बोलिए स्नेहा जी. मैं क्या बोल रही थी, मुझे वो सीन भी बहुत अच्छा लगा जब वो बुलाता है ना, सना करके चिल्लाता है ना पीछे से, तो हाँ वो जी, सीन भी वो तो ऐसा एकदम. सीन आपके लिए रुक जाए हाँ सच में एकदम से. ऐसे अगर दिल आप थम गया एकदम बस. खाली रूम में बैठ के ये सॉन्ग सुनोगे फुल आवाज पे, और आप सिडनास के फैन हैं, और एकदम से वो पल आएगा ना, तो आपके सच में झकझोर के रख देगा, इतना ज्यादा हार्ट टचिंग सीन है. उसमें भी तो आई गेस एक उसने, मुझे वो भी एक मैसेज लगता है उसकी तरफ से कि शी व्हेन ही कॉल्ड हर, है ना, उसकी वॉइस में जैसे वो हमने सुना है, और वो एक मिनट के लिए, इट वाज लाइक फॉर मी, मेरा तो मतलब जैसे अमन ने भी बोला कि रुक गया एकदम से कि यार ये कैसे, मतलब एकदम से सुना, तो इट वाज लाइक अलग सी फीलिंग थी. एंड द वे लाइक उस टाइम पे जैसे सब कुछ रुक सा गया, एंड देन अगेन लाइक उसने टर्न लिया एंड शी लाइक वॉक्ड, राइट? तो उसकी मेमोरीज के साथ में वो कैसे आगे बढ़ेगी, दैट इज वो मुझे उसकी तरफ से वो मैसेज लगा कि वो है उसके साथ में, जैसा कि पूरा उसने ट्रिब्यूट में पूरी अपनी फीलिंग्स जो उसने हमारे सामने रखी है, तो वो पूरे ही उसमें उसने ये बोला कि तू है मेरे साथ में, मैं जहां पे भी जाऊंगी, जहां पर भी, जैसे भी, जहां जहां मैं जा रही हूँ, यू आर ऑलवेज लाइक देयर विद मी, लाइक एंजल, राइट? उसके साथ में है वो. अनुजी पूछ रही है कमेंट में, ये सॉन्ग शूट कब हुआ, सहनाज कब गई थी? तो अनुजी ये उसी टाइम का है जब सहनाज प्रमोशन के लिए गई थी, सॉन्ग शूट करने गई थी हौसला रख के लिए, उसी के बाद ही शूट हुआ है. क्योंकि वहां पे आप लोगों को भी याद है दिलजीत ने भी कुछ बात की थी सॉन्ग के बारे में, तो सारी डॉट्स कनेक्ट करते हुए देखते हैं तो ये वही हाँ सॉन्ग है. ये दिलजीत का जो सॉन्ग राइटर है राज, वो उन्होंने ही मून चाइल्ड ईरा सॉन्ग लिखा है दिलजीत का, और सेम सॉन्ग तू यही है ये भी राज ने ही लिखा है. सो ऑल इज कनेक्टेड. ये सब में शहनाज की आवाज, बोलते ना मैजिक है उसकी आवाज में. पूरा सॉन्ग अगर हम एनालाइज करें तो उसकी आवाज कितनी ब्यूटीफुल लग रही है उस सॉन्ग में. राधिका, ओ या हम लोग ने मतलब मिस उसका वहम, साइड वॉक, वो सब सुना है, तो एकदम हाई पिच वाले गाने सुने हैं ना उसके, और ये एक थम धीरे से एकदम थम सा गया एक सॉन्ग है. ओ माय गॉड, बहुत बहुत ऐसा बोलते हैं ना, जैसे या मैजिकल है. एग्जैक्टली या जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ना 2:30 बजे रात के, तब द ओनली थिंग आई गॉट वाज यू नो द वॉइस. एंड बहुत बहुत ही लाइक
कैप्टिवेटिंग आवाज है उसकी, बहुत कैप्टिवेटिंग. एंड एंड द दैट सॉर्ट ऑफ काम पीसफुल वॉइस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टोन और द रिदम, बट उसकी आवाज में एक बहुत बहुत पीस पीस था, लाइक एज इफ शी इज सिंगिंग अ प्रेयर और समथिंग, यू नो. बहुत बहुत अच्छा था. एंड या इट वाज गुड. या और ये फर्स्ट हिंदी सॉन्ग है उसका, याद रखें. वाओ ब्यूटीफुल है. लेकिन Every time she says, मेरे दिल को पता है, tears roll down from my eyes. अनु जी सभी का यही हाल है, आप ही का नहीं. और इससे ज्यादा क्या हो सकता है. करेक्ट. वो आप होप सो आप लोगों को राधिका जी, जस्सी जी की और इश्निया जी की बातों से रिलेट करते होंगे. कमेंट में जरूर बताना, आप भी लोग अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं कमेंट में. थैंक यू. हाय स्नेहा, मैंने हाय नहीं बोला. थैंक यू. हाय राधिका. हाय. आज स्टूडेंट फ्लेवर मैम आई थी ना, लेकिन मैं मेरे काम में इतनी बिजी थी, मैं सुन ही नहीं पाई उनको. कर दो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, लिपस्टिक वाला जो कनेक्शन है कि आप अभी बोल रहे थे ना, इट्स समथिंग एल्स. तो किसी ने हाँ, मतलब वो उनका वो लिपस्टिक का जो अभी जो स्नेहा बता रही थी, स्नेक्स एंड लैडर्स में जो शुरू हुआ था, और स्नेक्स एंड लैडर्स में वीक में काफी अनसीन्स थे, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लिपस्टिक का लिपस्टिक नहीं था. ये लाइक मजाक वो सब ठीक है, बट इट वाज देयर थिंग, दैट्स व्हाट दे डिड विथ ईच अदर. जैसे इनके जो मस्तियां होती थी, राइट, ये यू नो WWE अखाड़ा करना, और वो जब बोलती है लूजर्स के मैं यू नो मैं लूजर्स के हाथ नहीं लगती हूँ, मुंह नहीं लगती हूँ, समथिंग लाइक दैट. एंड ही सेज ओ तू तो मेरे गले लग गई है, दैट मीन्स आई एम अ विनर. तो ये सारी जो चीजें हैं, और उन्होंने वो WWE की भी लड़ाई भी की थी, अभी ये कल वाले एपिसोड में हम बात करेंगे. और ऑफ कोर्स दिस यू नो लिपस्टिक द सो लाइक दैट लिपस्टिक हैज अ सिग्निफिकेंस इन दैट स्नेक्स एंड लैडर्स वीक में इनका जो शुरू हुआ था, वहां पे एक और सीन था जो दिखाया नहीं गया था, उसके लाइक सिद्धार्थ के गाल पे लिपस्टिक लगी हुई थी. वो कैसी लगी हुई लग गई वो हमें दिखाया नहीं गया, बट वो जब मेकअप कर रही है, वो आके उसको उससे बात करना चालू करता है, और दैट वाज देयर क्या बोलते हैं, दैट वाज देयर थिंग. अभी आई डोंट नो हाउ टू से दैट इन हिंदी. वो उनका एक इट वाज जस्ट पर्सनल टू बोथ ऑफ देम, लाइक दे बोथ लाइक डूइंग दैट. जैसे कोई हम अपने सिग्निफिकेंट अदर के साथ कुछ करते हैं कि ओके ये हमारा फेवरेट सॉन्ग है, हम ये सॉन्ग पे हमेशा डांस करते हैं, ऐसे कुछ. तो ये इनका था, ये लिपस्टिक का है, मतलब कि इट वाज ए सिंबल, इट सिंबलाइज्ड देयर हैप्पी टाइम्स, इट सिंबलाइज्ड यू नो देयर बॉन्ड और देयर फन, देयर यू नो हाउ दे हैड फन, एंड एक दूसरे पे हक जताना या जो भी कह लो, बिकॉज दैट्स व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज मेसिंग विद हिज लिप्स ऑन नेशनल टेलीविजन, उसको लिपस्टिक लगा रही थी. तो ये उनका एक यू नो सिंबलाइजिंग देयर बॉन्ड इज वन वे ऑफ सिंबलाइजिंग देयर बॉन्ड. सो दैट्स हाउ आई फेल्ट. फिर जब वो सीक्रेट रूम जाता है, वो उसको मिस करती है, सो ऑब्वियसली वो रोते रोते वॉशरूम जाती है और वो लिपस्टिक लगाती है. लिपस्टिक, दैट्स अ वे टू रिमेम्बर हिम, बिकॉज शी इज सेइंग कि आई एम मिसिंग हिम. ऑफ कोर्स लोगों को ये समझ नहीं आया घर में जो लोग थे कि ओ तो अभी लिपस्टिक लगा के रोएगी, है ना, विच इज फाइन, विच इज नेचुरल, बिकॉज उनको नहीं पता ये क्या है.
इवन जब वो फुटेज टास्क शुरू होता है वहां पर भी वो सोफा के पीछे बैठ के फिर अब्दुल्ला पूछते हैं, ओ तू अभी लिपस्टिक तो नहीं लगाएगी ना, ऐसे मतलब वो लोग देखते थे कि ओ ये लिपस्टिक कैमरा के लिए लिपस्टिक लगा रही है, बट दैट वॉज नॉट दैट, शी वॉज मिसिंग हिम बैडली. सो अभी ये लाइक स्नेहा सेड, ये जो लिपस्टिक का सीन था, दिस वॉज डेफिनेटली ए that was a thing for them. exactly. ये सब चीजें है ना उनकी उनकी जो relationship की जो starting बोल सकते हैं ना, जहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को hug देना start किया कि you have right on me, जैसे उसको lipstick, उसने वो lipstick लगाई भी तो I think वो बहुत देर तक उसके गाल पे थी, because बहुत सारे continuous unseen अनदेखा है. इवन वो आसिम के बेड पे जाके उसकी बहन के बारे में, नीस के बारे में बात करता है, तभी भी उसके गाल पे वो लिपस्टिक का निशान है. तो वो जो बोलते हैं ना, हम किसी को अपने ऊपर एक हक देते हैं ना, हाँ. तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था उनके रिलेशन में, जहां तक मतलब हाँ कि यू हैव राइट ऑन मी, वैसा वो हाँ. गाल था उधर. और वो निकालता ही नहीं है, वो कितना कितने टाइम हाँ. तक निकाल... हाँ. मतलब कौन ऐसे लेके घूमेगा भाई, आज अगर मेरे हस्बैंड को भी बोलोगे तो वो नहीं लेके घूमेगा इस विद 25 इयर्स ऑफ मैरिज, और फिर भी नहीं लेके घूमेगा, और वो बेचारा सब जगह लेके घूम रहा था. एग्जैक्टली. सो मुझे ऐसे लगता है जैसे हम सब लोग एज एन ऑडियंस, राइट, मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस connected with Shehnaz, or she's so expressive, she's so innocent, she's honest. Absolutely, all of that is 100% true. वो है, और उसका प्यार बहुत it is visible to the naked eye. मतलब easily देख सकते हैं और सबको समझ आता है कि क्या हो रहा है बहुत, because उसकी style वैसी है, उसकी personality वैसी है. सिद्धार्थ का it's not very easy. इतना straightforward नहीं होता है. तो जैसे दोनों को मिसअंडरस्टैंड किया गया था शो में, ऑब्वियसली बिकॉज जैसे हमने बोला कि चैनल का नैरेटिव था, कंटेस्टेंट्स के नैरेटिव्स थे, फिर सीन्स कट किए गए थे, एडिट किए गए थे. बट अगर उससे भी अगर हम देखते हैं क्लोजली, शहनाज इतनी टूट क्यों गई सितंबर 2 के बाद, because the we cannot even imagine that unconditional abundant love she got from him, right? And to main jab Shehnaz ki baat karti hu ya sochti hu, I cannot think of her as herself, and mujhe you know Siddharth aa hi jata hai usme kahin na kahin, mujhe wo dono alag lagte hi nahi hai. एंड सम पीपल माइट फील कि ओ उसकी इंडिविजुअलिटी है, उसका ये है, वो सब सही है. आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी थिंग फ्रॉम हर ओन थिंग, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सब अपने आप में अपने एक इंडिविजुअल सोल्स हैं, अपना एक लाइफ है, अपनी एक डेस्टिनी है. हमें यहाँ लाइफ में किसी रीजन के लिए आए हैं और हमें वो कम्प्लीट करना है, वो सब सही बात है. बट मैं जब ये दोनों को देखती हूँ, मैं एक के बारे में सोच के दूसरे के बारे में नहीं सोचूं, ऐसा होता ही नहीं है. दिस इज माय मेंटल सॉर्ट ऑफ यू नो कनेक्शन दैट माय माइंड मेक्स. लीला जी बोलती है कि जब 14 में सलमान ने पूछा था कि सेड किससे डर लगता है, तो सेड बोलता है किससे डर लगता है. इवन वो जो माहिरा जब बात करती है, फ्लर्ट करती है सिद्धार्थ के साथ, तो कैसे आके एकदम मस्त लिपस्टिक लगा अपना, जैसे तो छाप मार के चली जाती कि भाई ये मेरा है, तू दूर रहे इससे. वो उसको किस करके चली जाती, पता है शादी वाले टास्क में, किसी ने अभी जस्ट पॉइंट आउट किया है कमेंट में कि शादी वाले टास्क में देखो जब माहिरा सिद्धार्थ के साथ फ्लर्ट करती है और बेड पे लेटा है, तो मस्त येल्लो कलर का चूड़ीदार पहना है शहनाज ने, तो आती है येलो कलर के चूड़ीदार में, उसके बाजू में बैठती है, उसके माथे पे दो किस करती है और चली जाती है. याद आया? She is marking her territory, dude. हाँ, वही मेरा, ये मेरा है, ऐसा छाप मार के चली जाती है उस पे भी. कितने बार उसने नक्शे बनाए इसके चेहरे पे, तो वो तू मेरा है सीन के बाद भी बनाया है, स्पाइडर वाले वीक में भी उसके नक्शे बनाए हैं, तो ये तो मतलब इसीलिए उनका लिपस्टिक का इतना ऐसा कनेक्शन है. हाँ, एंड हैट्स ऑफ टू दैट, मतलब सिद्धार्थ को, वो
ऐसे पोछता भी नहीं, कोई कोई दूसरा इंसान हो तो ईट क्या कर रही है तू, ऐसा पोछ देगा, बट वो नहीं, जो उस उसको अच्छा लगता था, वो बहुत एग्जैक्टली मतलब अंदर ही अंदर खुश होता था कि ही वाज लाइक अ लिटिल किड, इज लाइक ओह माय गॉड दिस इज मुझे गिफ्ट मिल गई है. पता है ये चीज के ऊपर एक अनसीन अनदेखा है जहाँ पे विशाल और रावण बैठ के बात कर रहे दीवा के सामने कि यार अपने को भी ऐसी एक लड़की चाहिए जो अपने को खुलेआम पप्पियां जप्पियां करे करके, तो ही ये शो में मजा आएगा, ऐसा मतलब विशाल बोल रहा है रावण को. तो रावण बोलता है हाँ यार चाहिए ऐसा कोई, ऐसा तो ये सबको दिख रहा था लेकिन कोई सी को एक्सेप्ट नहीं करना था. कोई किसी ने लिखा था कमेंट में वो शॉल के बारे में, पढ़ा था अमन? मेरा मिस हो गया. आई थिंक हाँ वो ये लिख रहे थे ना, आई थिंक कि वो जो शॉल था वो उसने वहां पे लेके गई है हाँ शूटिंग के टाइम, शूट पे बैठ नहीं और मतलब वो जब कनाडा, हाँ वो उसका इंटरव्यू था तभी भी पहन के बैठी है ना. हाँ कनाडा के टाइम पे भी पता नहीं क्या शायद लेके गई थी. मैंने भी वो पूरा रीड नहीं किया, ऊपर चला गया. अच्छा वो कनाडा में भी लेकर गई है, कौन सी शॉल है वो? वो एक शॉल पहनी है देखो ना उसने, वो सेम शॉल है जो उसने इंटरव्यू के टाइम पे पहनी है दलजीत दोसांझ के साथ. ब्लैक कलर वाली. हाँ तो कोई बोल रहा था कि वो कनाडा भी लेकर गई थी वो शॉल, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है. कनाडा नहीं गई थी, कनाडा में शायद वो फैन गिफ्टेड थी सॉल. अच्छा ओके या ओ सही. ये वही सॉल की बारे में तो बात कर रहे हो. एक बार शहनाज ने स्नैपचैट डाली थी जब उसने पहनी थी कार में, तो मैं आपको बता दूं अगर वो वही सॉल है ब्लैक एंड ग्रे वाली, हाँ तो वो ब्लैक एंड सॉल ग्रे. हाँ जो हमारे लाइफ में मंजीत जी आती थी ना, जिन्होंने मेरी बात कराई थी शहनाज से, तो अच्छा हाँ उन्होंने ही वो गिफ्ट दी थी ओ शहनाज वाह को. वाह वाह या और वो सॉल ये कौन सी कंपनी है मुझे नेना नाम नहीं याद है, लॉरियल कंपनी का नाम क्या है, लॉरी ओ बटन, नहीं, इट्स अ लुई वुइटन अच्छा सॉल. लुई वुइटन. ओ माय गॉड लुई सो वुइटन. हाँ लुई हाँ वुइटन अनुजी है, उन्होंने मुझे सिखाया था. हाँ शॉर्ट में बोलते एलवी की शॉर्ट. ओ वाओ हाँ तो उन्होंने लुई गिफ्ट की या थी लुई लुई उस. विटॉन, लुई विटॉन गुची का भाई बहन जो भी सोच लो वो उसी या रेंज में आता है. और एक ब्रेसलेट था, दो चीजें थी गिफ्ट में. अच्छा ये वही की तभी की है, तो शहनाज उसको फिर लेके गई थी. दैट्स सो स्वीट, वो यूज कर रही है फैन गिफ्टेड, दैट्स सो स्वीट ऑफर. थैंक यू या शहनाज.